गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं आज क्लास क्या। आज हम लोग क्लास जो है क्लास नंबर 4 है कंपनी का और चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में जो दिया हुआ है इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे क्या है कि आज का क्लास में हम लोग का इशू ऑफ शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है कि आखिर में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता कैसे है। यहाँ तक कि हम लोग अभी तक जो पढ़े थे वो बेसिक कंसेप्ट था, उसी बेसिक कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ईजी हो जाएगा। तो आज का जो हम लोग का बेसिकली क्लास होने वाला है वो पूरा कंपनी का जर्नल एंट्री कि जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है और साथ में एक क्वेश्चंस भी अब आप लोग को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आज का क्लास आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्लास आप लोग को समझ में आ गया तो मानिए आप कंपनी पर 25% आप कमांड डाल चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लास में आज क्या होगा। आज तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग को पता था कि कंपनी जो शेयर इशू करता है वो टू टाइप्स है। एक हो गया एट पार और सेकेंड में हो गया एट प्रीमियम। तो आखिर में एट पार क्या है, एट प्रीमियम क्या है, इस चीज के बारे में एक्सप्लेन अच्छे से कर दिए। एट पार मींस जो आपका फेस वैल्यू है, मान के चलिए फेस वैल्यू आपका ₹10 है, तो ₹10 पे ही शेयर को अगर इशू किया गया तो इसको क्या बोलते हैं, एट पार। मीन्स जितना फेस वैल्यू है उतने ही पे अगर शेयर को इशू किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एट पार पे शेयर इशू हुआ। प्रीमियम का मीन्स क्या हो जाएगा कि जो फेस वैल्यू उससे अधिक रेट पे, मान के चलिए फेस वैल्यू 10 है और इशू कर दे 12 पे, तो जो ₹2 हो गया एक्स्ट्रा चार्ज में इसको क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम। एक और है एट डिस्काउंट जो कि हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। बाकी अब देखिए, यहाँ तो हम लोग का था कि शेयर इतना टाइप से इशू होगा, दोनों ही कंडीशन में या तो एट पार में इशू हुआ हो शेयर या एट प्रीमियम पे इशू हुआ हो, ठीक है। चार इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांगता है पब्लिक से। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है अलॉटमेंट, थर्ड में है फर्स्ट कॉल और फोर्थ में है फाइनल कॉल। ये चार इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांगेगा, ठीक है। बात अलग है कि कंपनी कभी कभी दो ही इंस्टॉलमेंट में ले लेगा, कभी तीन इंस्टॉलमेंट में ले लेगा, कभी ये दोनों को मिला के साथ में ही मांग लेगा, ठीक है। वो कंपनी पर डिपेंड करता है मांग कैसे रहा, लेकिन मैक्सिमम कितना है, 4 इंस्टॉलमेंट है। ये 4 इंस्टॉलमेंट पर आप लोग से पैसा मांगा जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि कंपनी जो शेयर्स को इशू करेगा वो या तो कभी एक ही बार में एप्लीकेशन के टाइम में ही पूरा पैसा मांग लेगा। तो जब आपको एप्लीकेशन के टाइम में पूरा पैसा मांग लिया तो उसको बोलेंगे लमसम। बाकी अगर ये चार इंस्टॉलमेंट, तीन इंस्टॉलमेंट या दो इंस्टॉलमेंट में मांगेगा तो उसको बोलेंगे इंस्टॉलमेंट में मांगा गया पैसा, ठीक है। बाकी अब देखिए, जो शेयर को इशू करेगा ना कंपनी, वो कैश पे इशू करेगा और अदर दैन कैश पे भी इशू करता है, ठीक है। तो हम लोग जो भी सीखेंगे कि कंपनी जो है कैश पे शेयर को कैसे इशू कर रहा है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी है, तो कंपनी जो कैश पे इशू कर रहा है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी देखेंगे, ठीक है। बाकी अदर दैन कैश वाला 5-7 क्लास के बाद में आएगा, अभी उसके लिए बहुत टाइम है, ठीक है। बाकी देखिए, अब हम लोग सीखेंगे इसका जर्नल एंट्री कैसे किया जाए कंपनी का। तो इसका जर्नल एंट्री अच्छे से क्लियर हो गया तो आप लोग को समझिए कि कंपनी का एंट्री। अब देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जो आप लोग का 11th में था वही फॉर्मेट है, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। क्या है कि ये चार इंस्टॉलमेंट का हम लोग को जर्नल एंट्री भी करना है, ठीक है। देखिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होगा, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का 2-2 एंट्री, टोटल कितना बन जाएगा जाके 8 एंट्री, ठीक है। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 एप्लीकेशन के टाइम में, ठीक है। पहला होगा रिसीविंग का एंट्री और दूसरा होगा ट्रांसफर का एंट्री। एक क्या है रिसीविंग और ट्रांसफर, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखिए हमने शेयर इशू किया और पब्लिक शेयर जब खरीदा तो पब्लिक कैसे खरीदेगा शेयर, पब्लिक हमको एप्लीकेशन देगा। तो पब्लिक हमको एप्लीकेशन दिया तो उसके साथ में तो पैसा भी तो देगा, वरना कैसे जानेंगे कि वो मेरा शेयर खरीदेगा, ठीक है। तो पब्लिक क्या करेगा, एप्लीकेशन के साथ में पैसा भिजवाएगा। तो पैसा भिजवाएगा तो उसका एंट्री क्या होगा, तो कंपनी के पास में पब्लिक पैसा भिजवाया मतलब पैसा आया, कैश आया,
या तो कैश के थ्रू या तो बैंक के थ्रू, तो आप लोग को पता है सारा कैशलेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बैंक के थ्रू कंपनी के पास में क्या आया, पैसा आया। तो जब पैसा आया कंपनी के पास में तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कंपनी के पास में अब कैश बढ़ा, तो कैश बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि एसेट्स बढ़ता है, एसेट्स इंक्रीज करता है, तो एसेट्स इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो बनाइए फटाक से जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ये सब कुछ मेरा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो भैया एप्लीकेशन कंपनी के पास में चला जाएगा, अब कंपनी पास से पब्लिक के पास में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर लिखेंगे, प्रिफरेंस शेयर है तो प्रिफरेंस शेयर लिखेंगे, ठीक है। नरेशन में लिखेंगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। अमाउंट डेबिट में जो होगा डेबिट में, क्रेडिट में जो होगा क्रेडिट, बाकी इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, कि जो हमको पब्लिक से पैसा मिला वो पैसा किस लिए मिला, हमको खाने के लिए तो नहीं मिला, यही सब पैसा जो आएगा पब्लिक से वो जाके क्या बनेगा, शेयर कैपिटल, जो कि कैपिटल हम लोग का कंपनी का कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन वाला पैसा आया उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, ट्रांसफर करेंगे मीन्स शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल मेरा इंक्रीज करेगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा क्रेडिट होता है तो क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। किसको ट्रांसफर किए शेयर कैपिटल अकाउंट में, एप्लीकेशन को ट्रांसफर किए ना, तो लिखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अमाउंट है उसी अमाउंट को यहाँ पे दिखाएंगे, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये भी क्लोज हो गया, मतलब एप्लीकेशन का एंट्री क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का एंट्री मेरा पूरा पूरा क्लियर हो चुका, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या किया, पहले रिसीविंग का, उसके बाद में किसका एंट्री किया, ट्रांसफर का। उसी प्रकार अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री बनेगा, सिर्फ क्या डिफरेंट हो जाएगा कि अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर का उसके बाद रिसीविंग का, फर्स्ट कॉल में पहले ट्रांसफर उसके बाद रिसीविंग, पहले ट्रांसफर उसके बाद रिसीविंग। अब जितना भी एंट्री करना है पहले ट्रांसफर का करना है उसके बाद रिसीविंग का करना, आखिर में क्यों क्यों अब हम पहले ट्रांसफर का एंट्री करेंगे, क्योंकि आपका शेयर तो मार्केट में बिक गया, उसका एक इंस्टॉलमेंट का पैसा भी मिल गया, तो आप यहाँ पे उम्मीद लगा के ये बैठे हुए हैं कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा तो आएगा ही आएगा जब ड्यू डेट होगा, तो ड्यू डेट होगा उसी टाइम आप पैसा को ट्रांसफर कहाँ पे कर दीजिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद आपको पब्लिक तो पैसा दे ही देगा, पब्लिक से पैसा क्या कीजिएगा, आप रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान में अब इतना ही रखना है कि अब जितना भी एंट्री करना है पहले ट्रांसफर का। चलिए अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या किया, पहले ट्रांसफर, जिसको क्या बोल सकते हैं, ड्यू बोल सकते हैं, ठीक है। पहले ये वाला एंट्री, बस एप्लीकेशन था तो यहाँ पे क्या हो गया, अलॉटमेंट, बाकी सब तो सेम है। फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब कि अब हमको पैसा मिलने वाला ही है, ठीक है। तो जब इसका पैसा आप रिसीव कीजिएगा तो रिसीव करने का एंट्री क्या होता है, रिसीव कीजिएगा, पैसा तो आ रहा है आपके पास, आने दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे, बाकी यहीं पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री भी आपको बना दे रहे हैं।
देखिए ये फॉर्मेट अच्छे से बनाइएगा, फॉर्मेट के अंदर ही आप लोग को लिखना है, ठीक है। बाकी हम रफली यहाँ बना दे रहे हैं। और फाइव नंबर जो एंट्री होगा किसका होगा, फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का पहले कौन सा एंट्री करेंगे हम लोग, पहले हम लोग करेंगे ड्यू का। क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फोर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। अब इसका रिसीविंग का एंट्री हम लोग करेंगे, तो रिसीविंग का एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग का, पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फोर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब एंट्री करेंगे जाकर हम लोग फाइनल कॉल का। तो फाइनल कॉल का फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग का, फाइनल कॉल का जो एंट्री हो जाएगा वो फर्स्ट में हो जाएगा ड्यू का। एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फोर फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्लियर यहाँ पे। अब इसका रिसीविंग का एंट्री करेंगे एट में। रिसीविंग का क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर या इक्विटी शेयर, इक्विटी तो इक्विटी, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस, फाइनल कॉल अकाउंट फोर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्लियर हो यहाँ पे। बस ध्यान देना आपको एंट्री कैसे बनाना है। फिर से देखिए अब कि हम लोग जो एंट्री करते हैं वो एंट्री कैसे होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन का देखते हैं। एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होता है, रिसीविंग का। तो रिसीविंग का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, अगर प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस देना है, ठीक है। बाकी हम लोग का जनरली अधिकतम टाइम इक्विटी ही रहता है, ठीक है। बाकी इसका ट्रांसफर का एंट्री क्या करते हैं कि इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसी प्रकार से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में पहले ट्रांसफर उसके बाद रिसीविंग, याद रखना पहले ट्रांसफर उसके बाद रिसीविंग का, ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक। अब इसका आगे देखिए कि आप तो शेयर इशू किए हैं, शेयर इशू किए हैं, सब इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगे तो उसका पैसा भी आया, उसका एंट्री भी दिखा दिया। बट अब जब शेयर को इशू कर रहे हैं तो आपका कुछ खर्च तो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। अगर आप शेयर इशू किए हैं तो आपका कुछ तो खर्च भी तो पैसा हुआ होगा, एक्सपेंस भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल हुआ होगा। तो एक्सपेंस का एंट्री कैसे करेंगे, देखिए एंट्री नंबर 9 यहां पे लिख रहे हैं। एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस हम लोग का क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट, ठीक है, डेबिट हो गया। टू आपके पास से पैसा तो जाएगा, एक्सपेंस हुआ तो हाँ बिल्कुल जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। फोर एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर, जो भी अमाउंट रहेगा शो कर देना है। क्लियर हो आप, एक्सपेंस का आपका एक्सपेंस भी दिया रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंस तो हो गया, उसका पैसा भी तो दे दिया आप, ठीक है। बात यहाँ पे अब ये आता है कि एक्सपेंस का पैसा को रिटर्न ऑफ कैसे करना। रिटर्न ऑफ मीन्स कि आपको उस पैसा को किस फंड से देना, कहाँ से उस पैसा को चुकाना आपको, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपका एक SBI बैंक में भी अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट है, और HDFC में भी अकाउंट है, ठीक है। आपको एक फ़ोन खरीदना है 10,000 का, तो आप फ़ोन खरीदना 10,000 का, तो 10,000 तो आपके पास कैश तो है नहीं, तो आप किस बैंक से निकाल के उस 10,000 को दीजिएगा। अब तो पैसा तो कंफर्म को आपको देना ही देना है, लेकिन आप कौन सा बैंक से निकाल के दे रहे हैं पैसा को। तो आप मान के चलिए SBI बैंक से निकाल के दे, तो आपका SBI बैंक में क्या हो जाएगा, पैसा
कम हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्सपेंस तो हुआ, उसके लिए तो पैसा तो देना ही देना है, लेकिन वो पैसा किस फंड से दिया जा रहा, कहाँ से दिया जा रहा है, मीन्स उसको रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे उस पैसा का। तो ये जो पैसा का रिटर्न ऑफ होगा फर्स्ट में सिक्योरिटीज प्रीमियम से होगा, ठीक है। अगर आपके पास में प्रीमियम का पैसा है, मीन्स जब प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं तो आपका प्रीमियम का पैसा आता है, तो आपका अगर प्रीमियम का पैसा है तो प्रीमियम से रिटर्न ऑफ करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में प्रीमियम नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस, मीन्स आपका कंपनी का अगर प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो प्रॉफिट से उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। बट जब आपका ना ही प्रीमियम है ना ही प्रॉफिट है तो क्या करना, तो इस पैसा को लायबिलिटी साइड में नेगेटिव फिगर में दिखा देना है कि ये पैसा का कहीं से दे नहीं पाया, शेयर कैपिटल से देना पड़ेगा, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में क्या करना है, नेगेटिव बैलेंस में दिखा देना है, ठीक है, नेगेटिव में दिखाना है, ठीक है, क्लियर हो यहाँ पे। बाकी देखिए इसका रिटर्न ऑफ कर देते हैं प्रीमियम से, अगर मान के चलिए प्रीमियम है तो उसका रिटर्न ऑफ क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस और इशू ऑफ शेयर अकाउंट, ठीक है, इसका क्या हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, क्लियर हुआ। उसी प्रकार से अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे, कुछ नहीं तो रिटर्न ऑफ तो दिखाने का जरूरत ही नहीं, बस आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नेगेटिव फिगर में ध्यान दिखा देना, ठीक है। इस चीज़ को, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अब क्या करते हैं, इसी पे हम एक दो क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए देखिए अब आपका बुक का क्वेश्चंस नंबर वन है, क्वेश्चंस नंबर वन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन में, बोल रहा है मीनाक्षी लिमिटेड इशू 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू जनरल पब्लिक पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे बोला था कि मीनाक्षी लिमिटेड जो है क्वेश्चन नंबर वन 12,000 इक्विटी शेयर को इशू किया है एट द रेट ₹10 ईच, मतलब प्रत्येक शेयर का रेट कितना है, ₹10, ठीक है। 12,000 शेयर इशू किया, ₹10 का रेट से इशू किया, ठीक है। लेकिन जो ये ₹10 वो किस किस में डिवाइड है, बोला है अप्लीकेशन पे ₹2, अलाटमेंट पे ₹4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹4, इस तरह से पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। ध्यान देना है कि जो ₹10 था, शेयर तो इशू हुआ 12,000, लेकिन 12,000 का रेट कितना है, ₹10, लेकिन ₹10 का इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया, कितना कितना रुपया करके इंस्टॉलमेंट मांग रहा है। तो बोला अप्लीकेशन पे हमको ₹2 दे दो, अलाटमेंट पे हमको ₹4 दे दो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमको कितना दे दो, ₹4 दे दो, ठीक है। तब आपको क्या करना है, इसका एंट्री करना है, ठीक। तो सबसे पहले अप्लीकेशन का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अप्लीकेशन अकाउंट। तो भैया अप्लीकेशन में अमाउंट कितना दिखाएंगे, 12,000 तो शेयर है बाबू, लेकिन अप्लीकेशन का रेट कितना है, ₹2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 24,000, यहाँ भी 24,000। रिसीविंग का एंट्री हो गया, क्या ट्रांसफर कितना अमाउंट करेंगे, ट्रांसफर टोटल ही ना कर देंगे क्योंकि कुछ यहाँ बकाया होगा है, तो रखने वाला तो झंझट ही नहीं है अभी तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 24,000, यहाँ पे 24,000। एंट्री क्या होता है ट्रांसफर का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर हुआ। नेक्स्ट किसका करना है, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का पहला एंट्री किसका, रिसीविंग का या ट्रांसफर का, तो फर्स्ट नंबर एंट्री है ट्रांसफर का। ट्रांसफर का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आखिर में कितना है शेयर मेरा, कितना 12,000, और रेट कितना है अलॉटमेंट का, ₹4 रेट है, मतलब अलॉटमेंट के टाइम में आपको कितना देना है, ₹4 देना है, कितना हो जाएगा 48,000, यहाँ भी 48,000, यहाँ भी कितना हो जाएगा 48,000, क्लियर हुआ यहाँ तक।
आगे देखिए क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एक ही साथ में पैसा मांग रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एक ही साथ में पैसा मांग रहा है। इसको एक ही साथ में एंट्री भी बना देंगे, तो एंट्री कैसे बना देंगे एक साथ में वो देखिए। अब सबसे पहले एंट्री अब हो जाएगा एंट्री नंबर 5। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या करते हैं, पहले हम लोग ड्यू करते हैं उसके बाद रिसीविंग। तो ड्यू का एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है, 12,000 शेयर है और उसका रेट कितना है, 4 रुपये, कितना हो जाएगा 48,000 क्या हो जाएगा नाजन में, 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट सिक्स नंबर एंट्री क्या हो जाएगा, रिसीविंग का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। फाइनल को सेकेंड कॉल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अमाउंट 48,000 नरेशन में 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब आगे कुछ भी नहीं होगा, ना एक्सपेंस है ना और कुछ है, तो ये सब का कोई एंट्री होने वाला नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे कैसे एंट्री बनाते हैं। सो बाकी एक और क्वेश्चंस करवाते हैं, उसके बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चंस नंबर टू ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है अ लिमिटेड कंपनी विथ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। रजिस्टर्ड कैपिटल मीन्स ऑथराइज कैपिटल, कितना दिया हुआ ₹1,00,000। आगे आपको बोला जा रहा है कि डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर ऑफ ₹10 इज डिवाइडेड है कितना में, 10,000 शेयर एट द रेट ₹10 इज, 10 रुपया वाला प्रत्येक शेयर में डिवाइडेड है, ठीक है। आगे बोल रहा है इशूड 4,000 शेयर, इशू मत किया गया है, इशू 4,000 शेयर, सारा शेयर को इशू नहीं किया है। आगे बोलता है कि पेबल एज ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 3 फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस फाइनल कॉल। देखिए एप्लीकेशन पे दिया जा रहा है ₹1, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे दिया जा रहा है ₹3। आगे बोला बैलेंस किस पे, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे क्या बोल दिया, बैलेंस ये बैलेंस का अमाउंट आखिर में कितना आएगा, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे बैलेंस का अमाउंट, हमको पता रेट कितना है, 10 रुपया है, ठीक है। टोटल रेट कितना है, 10 रुपये। 10 रुपये जो है, 1 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, मीन्स टोटल कितना रुपया मांगा गया, 6 रुपया। तो बाकी यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 6 को अगर माइनस कर दें कितना बचेगा बैलेंस, 4 रुपया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि टोटल 10 पे रेट था, टोटल अभी तक मांगा गया 6, तो बचा कितना, 4, क्या निकल गया हम लोग का, बैलेंस निकल गया, ठीक है। अब इसको एंट्री पास करें, एंट्री कैसे पास करें, 1,00,000 अमाउंट पे करें, 10,000 शेयर पे करें, 4,000 शेयर पे करें, बात यहाँ पे आ गया, ठीक है। पता है 1,00,000 तो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल था, ठीक है। अब जो डिवाइड था 10,000 शेयर पे, लेकिन कंपनी जो पब्लिक को मात्र बेचना कितना चाह रहा, 4,000, पब्लिक को मात्र इशू कितना किया, 4,000, मीन्स सारा का सारा पब्लिक खरीद लिया, ठीक है। इसीलिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास में गिवन नहीं है, तो 4,000 तो पब्लिक खरीद लिया, तो 4,000 का पैसा देगा ना, ऐसा नहीं कि 10,000 का दे देगा, तो किस पे बनाएंगे, 4,000 पे, जितना इशू कर दिया, ठीक है। लीजिए भैया सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 4,000 इंटू 1, 1 रुपये रेट था, क्या हो जाएगा 4,000, यहाँ भी 4,000। बाकी ट्रांसफर का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 4,000,
4,000 बाकी लेते हैं अलाटमेंट का। अलाटमेंट पे कितना हो जाएगा 4,000, रेट कितना है 2 रुपये, कितना हो जाएगा 8,000। अलाटमेंट का एंट्री क्या होता है फटाफट बोलिए आप लोग अब। चलिए हाँ बिल्कुल सही बता रहे, ठीक है। बाकी इसका क्या हो जाएगा रिसीविंग में 8,000, क्लियर है। नेक्स्ट अब फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में नहीं है, बस फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग कि शेयर्स का शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है 3 रुपया, 4,000 × 3 कितना हो जाएगा 12,000। यहाँ भी 12,000, यहाँ भी कितना हो जाएगा 12,000। अब किसका एंट्री करेंगे फाइनल कॉल का। देखिए फाइनल कॉल का एंट्री क्या हो जाएगा, सबसे पहले ड्यू का एंट्री होगा। तो ड्यू का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा 16,000। इसका रिसीविंग का एंट्री करेंगे, रिसीविंग का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो जाएगा 16,000 और 16,000, क्लियर है यहाँ पे। बाकी सब आप इसको ऐड करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए बनाने के लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन करवाएंगे।